नमस्कार, खास खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बहुचर्चित एएनएम भवरी देवी अपहरण और हत्या मामले की। तो भवरी देवी के पुत्र साहिल को अपनी मां की मौत पर संदेह होने लगा है। दरअसल इसके दो कारण सामने आए हैं। पहली वजह है कि भवरी के बेटे साहिल को मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए साहिल दर दर की ठोकरें खा रहा है। वहीं इंदिरा गांधी नहर से मिली हड्डियों को लेकर कुछ और ही मामला सामने आया है। एम्स की रिपोर्ट की माने तो जो हड्डियां बरामद हुई हैं उसमें कुछ हड्डियों जो है अगर उनकी बात करें तो गैर मानव मूल की हैं। तो शुरू करते हैं आज का सफर और टटोलते हैं आखिर सच्चाई क्या है। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। बहुचर्चित एएनएम भवरी देवी अपहरण हत्या का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नौकरी पाने वाला भवरी का बेटा साहिल मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलने से साहिल को अब अपनी मां की मौत पर शक होने लगा है। एक रिपोर्ट। एएनएम भवरी देवी के अपहरण और हत्या का मामला प्रदेश में बहुचर्चित रहा। इस दौरान उनके पुत्र साहिल को चिकित्सा विभाग में नौकरी दे दी गई। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि भवरी देवी का अब तक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया है। नौकरी मिलने के बाद भवरी के पुत्र ने जब ग्रेजुटी और प्रोविडेंट फंड के पैसे के लिए संबंधित विभाग में आवेदन किया तो उसकी मां का मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा गया, जबकि साहिल को अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला है। ऐसे में साहिल को कहीं न कहीं अपनी मां की मौत को लेकर संशय हो गया है। हर जगह तलाश किया है, चाहे वो तहसीलदार ऑफिस हो, चाहे BDO ऑफिस हो, चाहे SDM ऑफिस हो, चाहे अतिरिक्त कलेक्टर हो, चाहे जोधपुर का कोई भी विभाग हो, लेकिन सब आनाकानी कर रहे हैं। कोई एक साल से ज्यादा हो गया है, कोई बोल रहा है कि मृत्यु का स्थान फिक्स नहीं है, कोई बोल रहा है कि मृत्यु कहाँ हुई, कैसे हुई, किस डेट को हुई, यानी कि अंदर ही कर रहे हैं। सरकार डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं कोई प्रशासनिक अधिकारी, तो उस हिसाब से यही माना जाए तो क्यों नहीं दे रहे। अगर वास्तव में डेथ हो गई तो मेरे को मेरा प्रमाण पत्र ला के दे। और ये मृत्यु प्रमाण पत्र जब तक नहीं मिले तब तक मेरे यही लेके चलता हूँ कि मेरी मम्मी जिंदा है। साहिल ने मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ग्राम सेवक, पटवारी, तहसीलदार और विकास अधिकारी और कलेक्टर तक संपर्क किया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अधिकारियों ने तो दाह संस्कार के संबंध में रिपोर्ट तक मांगी है और ऐसी रिपोर्ट नहीं होने के कारण मृत्यु प्रमाण पत्र अटका हुआ है। मगर कहीं न कहीं इस पर इसलिए भी संदेह गहराता नजर आता है क्योंकि अभी तक भवरी देवी के मृत्यु का प्रमाण पत्र साहिल को नहीं दिया गया है और यही वजह है साहिल चक्कर काट काट कर परेशान है और इसीलिए उसको भी अभी विश्वास होने लगा है कि यहाँ को मेरी बात सुनता है और इसी वजह से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। अब देख लेंगे कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन इस मामले में आवश्यक कदम उठाकर साहिल को मृत्यु प्रमाण पत्र कब जारी करते हैं। कैमरा मैन सी सिंह के साथ राशि कौर, टीवी न्यूज़।